पर्दा के बाहर उनका रूप देवी का, लेकिन उल्टी सीता जी को पर्दा के पीछे जाकर अगर देख लीजिए तो वही सीता जी सिगरेट पीती हुई रहती है। चुनावी संग्राम में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में नेता शब्दों की सीमा भी खूब लांघ रहे हैं और अब इन्हीं शब्दों की सीमा को लांघकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लिए एक नई मुसीबत मोल ली है। उपेंद्र कुशवाहा माता सीता पर टिप्पणी कर बुरी तरह फंस गए हैं। इस मामले में कुशवाहा के खिलाफ माता सीता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और वोट के लिए एक धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दरभंगा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ दरभंगा की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि कुशवाहा ने बीजेपी के दोहरे चरित्र को बताने के लिए माता सीता के नाम का इस्तेमाल किया था। कुशवाहा ने बीते 25 अप्रैल को दरभंगा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, एक कलाकार जब सीता माँ बनकर मंच पर आती है तो दर्शक उसे सीता मैया समझकर नमन करते हैं, लेकिन वही सीता माता जब मंच के पीछे पहुँचती है तो सिगरेट पीते नजर आती है। आप खुद सुनिए उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा की गई ये टिप्पणी। मंच सजता है, पर्दा लगा रहता है, पर्दा जब उठता है तो एक व्यक्ति, सब पात्र होते हैं उसमें, एक व्यक्ति सीता का रूप धारण करके आता है, माता सीता का रूप धारण करके। अब देवी का रूप धारण करके, सुंदर देवी सीता मैया का रूप धारण करके, माताएं बहनों जो देखती रहती है रामलीला तो सर झुका लेती है सीता जी को देख करके, इतना सम्मान देवी का रूप है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद उनके विरोधियों को कुशवाहा पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। इसको लेकर आम लोगों में भी काफी गुस्सा है। इसी गुस्से का इजहार करते हुए मिर्जापुर के गणेश चौधरी ने थाने में कुशवाहा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। उपेंद्र कुशवाहा पर दर्ज इस शिकायत की सुनवाई मुख्य न्यायिक अदालत में 9 मई को होगी। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, तो वहीं उनके विरोधी भी इस मुद्दे को खूब भुनाने में लगे हैं। पूर्वांचल के ऐसी ही लगातार ताज़ा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।